जो आरक्षण व्यवस्था थी उसमें पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है, ये बात में दम है। पिछड़ों को उनका हक दिलाएं, फैसला के पहले भरोसा कैसे कर लिए? जब भरोसा नहीं था तो भरोसा नहीं करना चाहिए था, अपना वकील लेके डटे रहते चाप के वहीं। उससे भी आपका इनविटेशन आया है, एक गांव में जाएंगे तो इनसे सवाल होगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं बता दो पहले, तब उसके बाद यात्रा निकालो। आज क्यों यात्रा निकाले हो? तब सरकार में थे तो हमारा हिस्सा लूट रहे थे, आवाज आए हो वोट लेने के लिए, गाँवों में बैठ के कुल खोजे तुम। सर, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया उसके बाद यूपी की सियासत में घमासान मचा हुआ है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी हैं। राजभर जी, जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया उसके बाद तमाम दल ओबीसी वोटर्स को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, सभी अपनी तरफ खींच रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, जो कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट के फैसले में साफ जाहिर है कि जो पिछड़ों का ओबीसी का जो आरक्षण है वो निकाय चुनाव में नहीं है। जिस बात की पुष्टि और बढ़ जाती है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और ये कहा कि जब तक आरक्षण व्यवस्था हम करा नहीं देंगे तब तक हम चुनाव नहीं होने देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार का भी कहना है। तो उसी बात को तो ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे हैं, उसी बात को अखिलेश जी भी कह रहे हैं, उसी बात को मायावती जी भी कह रहे हैं, उसी बात को तो सब लोग कह रहे हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि उस स्थानीय निकाय चुनाव में जो आरक्षण व्यवस्था थी उसमें पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है, ये बात में दम है। तो हमारा आपके माध्यम से सरकार से भी कहना है कि जो आपने आयोग गठित किया है उसी में सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट जो तैयार है उसको भी आप उसमें शामिल कर लीजिए, उसका भी परीक्षण करा लीजिए, उसको भी जो 27% आरक्षण के बंटवारे की 7, 9, 11 की फाइल पड़ी हुई है उसको भी परीक्षण करा करके इसी में उसको भी लागू करा दीजिए। राजभर जी, अखिलेश जी ने कहा है कि सरकार ने अपना पक्ष मजबूती के साथ नहीं रखा है, और दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाकर पिछड़ों को उनका हक दिलाएंगे। देखिए, यदि ये बात माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, देखिए हम लोग तो नवसुकुआ हैं, वो तो मुख्यमंत्री रहे हैं, है ना, हम लोग तो मंत्री रहे हैं, विधायक हैं, उनको तो इस बात की जानकारी, मुख्यमंत्री 5 साल रहे हैं, अनुभव था। हम लोग भी कोर्ट में जाके देखते हैं कि सरकारी वकील पर भरोसा नहीं होता है तो प्राइवेट वकील लोग रख करके बहस कराते हैं, तो इनको तो सर प्राइवेट वकील लेकर के बहस कराना चाहिए था, पहले भरोसा कैसे कर लिए? फैसला के पहले भरोसा कैसे कर लिए? जब भरोसा नहीं था तो भरोसा नहीं करना चाहिए था, अपना वकील लेकर डटे रहते चाप के वहीं, तब ना सही रहता। आखिरी सवाल है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम तमाम गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, हाल ही में आपने भी कई यात्राएं की हैं, किस तरीके से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उससे भी आपका इन्विटेशन आया है? देखिए, माननीय सलमान खुर्शीद का फोन आया था, हमने उनसे कहा कि 31 तारीख को बैठक करेंगे, बैठक के बाद जैसा होगा डिसीजन हम आपको देंगे। जहाँ तक अखिलेश जी की यात्रा की बात कर रहे हैं, एक गाँव में जाएंगे तो इनसे सवाल होगा कि प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? अखिलेश जी बता दो, समाजवादी पार्टी के नेताओं बता दो पहले, तब उसके बाद यात्रा निकालो। जब 4 सितंबर 2013 को 27% आरक्षण में 12 जातियां लाभ उठा रही, हाईकोर्ट ने कहा और ये निर्देश दिया उत्तर प्रदेश सरकार को कि इसको बांट करके सभी जातियों को हिस्सा दिलाओ, तब आपने प्रेस वार्ता नहीं किया, तब यात्रा नहीं निकाली, आज क्यों यात्रा निकाले हो? तब सरकार में थे तो हमारा हिस्सा लूट रहे थे, आवाज आए हो वोट लेने के लिए, गाँवों में बैठ के कुल खोजे थे वहाँ। सर, तो ये थे हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो है उनका हक दिलाने के लिए ओबीसी आरक्षण का उन सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इसी के लिए सभी लोग उनके आगे पीछे लगे हैं। वीडियो चली शायद उसके साथ प्रदर्शन द लीडर हिंदी लखनऊ।